बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ होल एमसीक्यूज़ रिव्यू एंड ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फॉरेंसिक मेडिसिन के सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया था, आप उस वीडियो को भी देख लेना। और इस वीडियो के अंदर हम टॉक्सिकोलॉजी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनरल और स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी के एमसीक्यू को। एनएसिटाइलसिस्टिन एसिटामिनोफेन के पॉइजनिंग में दिया जाता है। अगर स्टोपिफाइंग पॉइजन के अंदर अल्कोहल होता है, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि धतूरा वो भी स्टोपिफाइंग पॉइजन है, कोकीन भी स्टोपिफाइंग पॉइजन होता है। मिथाइल अल्कोहल नेफ्रो नहीं बल्कि ऑप्थल्मोटॉक्सिक होता है, नेफ्रोटॉक्सिक एथिलीन ग्लाइकोल होता है। फोर्थ के अंदर आ जाते हैं तो जो रन अमोक है वो कैनबस इंडिका की वजह से होता है। मार्श टेस्ट आर्सेनिक के लिए अप्लाई करते हैं। पंकेट बेसोफिलिया क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। एरिथिज्म क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया ये एस्पिरिन की वजह से होता है। ओके, इसके बाद जो केमिकल एनालिसिस जिस पॉइजन की सबसे पहले करनी चाहिए तो वो क्लोरल हाइड्रेट यानी बेंजोडाइजपिन वगैरह सिडेटिव हिप्नोटिक वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। टूथ सीरम में हायोसीएमएस होता है। क्रॉसी पॉइजन जो कि फोर्जरी के अंदर जो राइटिंग को रेज करने के लिए इस्तेमाल होता था वो ऑक्सैलिक एसिड होता है। अगर टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के जो स्पेसिमन होते हैं वो रेक्टिफाइड सेपरेट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सेलाइन सॉल्यूशन में प्रिजर्व किया जाता है। एक्वायर्ड हाइपरसेंसिटिविटी को एलर्जी कहते हैं। क्रोमोजेनिक रेड टियर ऑर्गेनो फास्फेट की पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। क्विनिडिन अबॉर्शन करवा देती है बाय इंड्यूसिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। मिथाइल अल्कोहल ऑप्थाल्मोटॉक्सिक होती है। ओके, वही रैना मोक कैनबस इंडिका की वजह से होती है। पंकेट बेसोफिलिया क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग की वजह से होता है। जो फैक्टर डिटरमिन करता है कि सब्सटेंस पॉइजन है तो वह इंटेंशन होती है कानून के अंदर। ओके, सैंपल टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए रेक्टिफाइड सेपरेट या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गैस्ट्रिक लैवेज कैन बी परफॉर्म। तो गैस्ट्रिक लैवेज हम सिर्फ और सिर्फ कार्बोलिक एसिड के केस में कर सकते हैं। क्रोसिस में डिलीरियम ट्रीटमेंट अल्कोहल के पॉइजनिंग में आता है। रेड टीआर आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, ऑर्गेनो फास्फेट के अंदर। जो टारगेट सेल होती है स्ट्रेचरिन के, तो स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न सेल होती है। वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी किसमें होती है, थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसके बाद है क्रोसी पॉइजन है जो कि राइटिंग रेज करने के लिए इस्तेमाल होता है तो वो ऑक्सैलिक एसिड होता है। द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन शो एनवेलप शेप क्रिस्टल। तो एनवेलप शेप क्रिस्टल ऑक्सैलिक एसिड की पॉइजनिंग में देखने को मिलते हैं। हाइड्रोसियानिक से टॉक्सिसिटी करवाता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर देता है। जो पॉइजन बाल्डनेस कराता है स्कार्प के ऊपर तो एलोपीकिया थेलियम की वजह से होती है। ओके ओके, इशोरेटिक अपीयरेंस ऑफ माउथ एंड टंग है तो आई थिंक ये होना चाहिए मर्करी पॉइजनिंग है, इसको देख लेना। फिर भी टेट्राएथाइल पैराफॉस्फेट ये ऑर्गेनोफॉस्फेट कैटेगरी से बिलोंग करता है। बेसोफिलिक स्टिपलिंग क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग में होती है। इसके बाद क्रॉनिक लेड को प्लम्बिज्म भी कहते हैं। वॉमिटिंग इज मोस्ट लाइकली टू इन एक्यूट पॉइजनिंग। तो वॉमिटिंग कार्बोलिक एसिड के अंदर ना होने के बराबर होती है। एनेस्थेटिक्स जो है तो एनेस्थेटिक में इनएब्रिएंट पॉइजन आना शुरू हो जाती है लाइक कोकीन वगैरह, आपको पता कि एनेस्थेटिक होता है। स्मोकी ग्रीन कलर यूरिन कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। क्रिस्टियन सिंक ऑक्सैलिक एसिड के लिए होती है। जो पॉइजन अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन करवाता है तो एक एकोनाइट होता है, दूसरा बारबिट्यूरेट होती है। इसके बाद नेक्स्ट है येलो कलर ऑफ ब्रियोस। तो येलो कलर ऑफ ब्रियोस बिलिरुबिन की वजह से होता है। विच होता है फॉलोइंग इज अर्लीस्ट साइन ऑफ क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग। तो फेशियल पैलर होता है। एक्टिवेटेड चारकोल, तो जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ओके, तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है एक्टिवेटेड चारकोल को फिजिकल एंटीडोट वाली कैटेगरी से। अगर मैं इसको एंटीडोट वाले चैप्टर को निकालूँ तो चारकोल वाला दो टाइप के चारकोल होते हैं, आपने दोनों को ध्यान से पढ़ना है। एक होता है चारकोल पाउडर चारकोल, पाउडर चारकोल तो यूनिवर्सल है, जबकि फिजिकल या मैकेनिकल के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल आता है। ठीक है, ओके, इसके बाद आते हैं एंटीडोट ऑफ मिथाइलेटेड सेपरेट। तो उसके लिए हम एथेनॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अगर पॉइजनिंग होगी है तो आपने ब्लड यूरिन प्लेस पीस ऑफ लीवर स्टोमक सब कुछ लेना होता है। फैक्टर विच मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, तो सारे के सारे फैक्टर्स पॉइजन के एक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं। इसके बाद कार्डिक पॉइजन के एग्जांपल क्या, तो सारे के सारे कार्डिक पॉइजन है। एंटीडोट फॉर मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल के एथेनॉल वगैरह एंटीडोट किस तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फोमिपाजोल यूज़ करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडोट शुड बी एडमिनिस्टर्ड। पिन पॉइंट पीपल आर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड फ्रॉथ कमिंग फ्रॉम द माउथ है, तो आपको बताया कि ओपीएम की पॉइजनिंग, ओपीएम की पॉइजनिंग के लिए नैलक्सोन यूज़ करते हैं। ओके, वाइपरसिनिक को रिजॉल्व करने वाला एब्रस प्रीकॉटियस होता है। कलर ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी फास्फोरस के केस में क्या होता है, डार्क ब्राउन होता है। एनएसिटाइलसिस्टीन और एसिटामिनोफेन के अंदर यूज करते हैं। इसके बाद है कि विच पोजीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सॉडमी, तो सॉडमी के लिए क्या करते हैं, नी एल्बो पोजीशन होती है। अब ये कहाँ से एमसीक्यू आ गया सॉडमी वाले, इसमें वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी ये अल्कोहल की वजह से होती है और थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ऑर्गेनो फास्फेट एस्टालकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। इशारेटिक अपीयरेंस माउथ और टंग की होती है तो वो मर्करी की वजह से होती है। इसके बाद एसिड है जो कि ज़ेंथोप्रोटिक रिएक्शन करवाता है तो वो नाइट्रिक एसिड होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो मी लाइन होती है वो थेलियम और आर्सेनिक की वजह से होती है। स्मोकी ग्रीन कलर यूरिन आता है किसकी वजह से, कार्बोलिक एसिड की वजह से। साइनोटिक कलर होता है ब्लड का, वजह पता है जब 5 मिलीग्राम से रिड्यूस हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। इसके बाद एक्शन ऑफ पॉइजन इज मोस्ट रैपिड जब इनहेल फॉर्म में लोगे। इसके बाद जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन, तो सारे के सारे जनरल प्रिंसिपल के अंदर आना शुरू हो जाता है। एंटीडोट है, एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन है, बाय एक्सक्रीशन है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है होता है फॉलोइंग पॉइजन हैज बोथ लोकल एंड रिमोट एक्शन, तो वो ऑक्सैलिक एसिड होता है। कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग में जो पीपल होते हैं वो हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, वैसे तो पिन पॉइंट भी होते हैं। आगे आर्सेनिक इंटरफेयर करता है बाइस सल्फाइटॉल एंजाइम को इनएक्टिवेट करके, साइनोसेप्टम ऑफ आर्सेनिक, तो आर्सेनिक कॉलरा को एग्जांपल करती है। इसके बाद पंकेट बेसोफिलिया लेड में देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है
एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सेमी कार्पस एनी कार्डियम तो भिलावन होल होते हैं ओके। तो जो स्पेसिफिक एंटीडोट है ओपियम की बजने के लिए तो नैलाक्सोन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रीथ आर चाकी वायर तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर होती है। मार्श टच आर्सेनिक के लिए होता है। वॉमिट और स्टूल एलुमिनस तो फॉस्फरस के अंदर होती है, वाइट फॉस्फरस की पॉइजनिंग के अंदर होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो मिल्क या डिम्यूलसेंट एजेंट होता है तो ये फॉस्फरस के अंदर कॉन्ट्राइडिकेटेड होता है। इसके बाद मिडल एज मैन है, परस्थीज हैंड एंड फुट है, मी लाइन है, आर्सेनिक की कोई पॉइजनिंग है तो आर्सेनिक है ठीक है। आगे वॉमिटिंग इज मोस्ट लीस्ट लाइकली टू बी अकर तो वॉमिटिंग कार्बोलिक एसिड के अंदर नहीं होती। फोसे जा वाइट फॉस्फरस की पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल ब्रूस मार्किंग नेट की वजह से हो सकती है। इसके बाद येलो कलर्ड वॉमिटिंग और स्टूल ये किस में देखने को मिलते हैं तो ये कोली साइंथ में लिखा हुआ यहाँ पर इसको देख लेना वेरीफाई कर लेना। वर्किस एंसेफलोपैथी अल्कोहल की पॉइजनिंग में होती है। शेराटिक अपेयरेंस होती है माउथ की तो वो आपको मर्करी पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। इसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट होती है स्टार कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। डिसफिगरमेंट करवाने वाला क्रोसी पॉइजन तो H2SO4 होता है। इसके बाद पेंटेड बेसोफिलिया क्रॉनिक लाइट पॉइजनिंग में आता है। एरिथीजा मर्करियल ट्रेमर में आती है। चेन स्टॉक्स ब्रीथिंग बारबिट्यूरेट में देखने को मिलती है। उसके अलावा ओपियम में भी देखने को मिलती है, कोकेन में भी किसी हद तक आ जाती है। एल्बोरिसेंट मार्क्स लाइटिंग में देखने को मिलती है। आगे फेटल डोज स्ट्राइचिनिन तो स्ट्राइचिनिन की फेटल डोज कितनी होती है 15 से 30 नैनोग्राम लिखी हुई है। चलो हालांकि मिलीग्राम होना चाहिए था, इसको फिर भी वेरीफाई कर लूँ कि स्ट्राइचिनिन की फेटल डोज कितनी होती है। तो जो फैटल डोज होती है स्ट्राइचिनिन की एक क्रश सीट है जिसमें 15 से 50 मिलीग्राम होना चाहिए या 15 से 30 है। चलो ठीक है। आर्टिफिशियल ब्रूस किससे हो सकती है तो मार्किंग नेट से हो सकती है। अच्छा मार्किंग नेट का दूसरा नाम क्या होता है? जो वाइपर लाइक लिगेंस होती है तो वार्बस एब्रस फ्री कॉर्टेज से हो सकती है ओके। तो जो मार्किंग नेट होता है उसका क्या दूसरा नाम होता है मार्किंग नेट? ये होता है सेमी कार्पस एनाकार्डियम को जिसका मिलावेनोल एक्टिव प्रिंसिपल होता है। कोलोट्रोपिक जिजेंटिया का मादर होता है। कैप्सिकम का चिलीज होता है। कैलाविसस पुरपुरा का कैरगट होता है। एब्रस फ्री कॉर्टेज का रत्ती होता है। क्रोटोन टेग्लियम का जमाल गोटा होता है। और रिसिनस कोमिनस का कैस्टर ऑयल होता है ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन तो एनवेलप शेप क्रिस्टल तो ऑक्सैलिक एसिड में आती है। मी लाइन थेलिया में आती है और आर्सेनिक में आती है। रेड वेलवेटी म्यूकोज आर्सेनिक में आता है ठीक है। रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है इसमें अल्कोहल की पॉइजनिंग में बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं जो जिजेंटिन होती है। जिजेंटिन कोलोट्रोपिक का एक्टिव प्रिंसिपल होती है ठीक है। जो कोलोट्रोपिक जिजेंटिया था जिसको मादर कहते हैं या रबर बुश कहते हैं तो इसमें एक्टिव प्रिंसिपल है। कोर्सकॉफ साइकोसिस ये क्रॉनिक अल्कोहल पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। मैग्नन सिंड्रोम क्रॉनिक कोकेन पॉइजनिंग में होता है। ब्रेन सैंपल को आपने स्ट्राइचिनिन के साथ प्रिजर्व करना होता है। बारबिट्यूरेट पंकियन बेसोफिली आपको क्रॉनिक लाइट पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। मी लाइन आर्सेनिक और थेलिया में देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है हीटर शेक ट्रैमर मर्करी में देखने को मिलती है। वेलप शेप क्रिस्टल ऑक्सैलिक एसिड में देखने को मिलती है। एक्यूट पॉइजनिंग जिसमें वॉमिटिंग ना होने के बराबर तो कार्बोलिक एसिड होता है। वॉमिटस और स्टूल लुमिनस होते हैं, फॉस्फरस के अंदर होती है। लूचिया 3 दिन में तो लूचिया रूबरा होता है ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए विसरा को फॉर्मलिन के अंदर डालते हैं। 10% फॉर्मलिन है। इसके बाद कोमाटोस पेशेंट है, डिपार्टमेंट में लाया गया है, लो लेवल ऑफ बारबिट्यूरेट है। ड्रग्स एनर्जिज्म है तो जो ड्रग्स एनर्जिज्म है वो अल्कोहल की बारबिट्यूरेट की हो सकती है। क्रोसिव है, डिसफिगरमेंट के लिए सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एसिड और शुगर को हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सैलिक एसिड होता है ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं एरिथिज्म क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग में होती है। पंकेट बेसोफिलिया प्लम्बिज्म में होता है। टोटल फैटल डोज ऑफ मॉर्फिन तो 200 मिलीग्राम है और याद करना कि 120 से लेकर 200 मिलीग्राम कोकीन के अंदर भी आ जाएगी ठीक है। द पॉइजन विच कॉजेस बाल्डनेस वो थेलियम होता है। मार्किंग नट को हम क्या कह सकते हैं? मार्किंग नट को भी आपने बताया था सेमी कार्पस एनाकार्डियम होता है ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलती है एक्सेसिव स्लाइवेशन तो आपको किसमें देखने को मिलती है? क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग लिखी हुई है। एक्सेसिव स्लाइवेशन में इसको वेरीफाई कर लूँ एक मिनट। तो जो एक्सेसिव स्लाइवेशन होती है ये किस कंडीशन में देखने को मिलती है? इसके बाद है एक्सेसिव स्लाइवेशन आती है टाइलिजम यानी सियालूरिया मर्करी में होती है। बिल्कुल ठीक है, मर्करी में होती है। शिन स्टॉक्स ब्रीथिंग इज सीन इन शिन स्टॉक्स ब्रीथिंग इसमें देखने को मिलती है। ओपीएम है, बारबिट्यूरेट वगैरह होती है। क्रॉसी पॉइजन जो कि येलो डिस्कलरेशन करवाता है तो नाइट्रिक एसिड है। इंजरी प्रोड्यूस बाय एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग लिक्विड तो उसकी वजह से स्कॉल्ड वगैरह, हालांकि ये इसमें आता नहीं है, ट्रॉमेटोलॉजी वगैरह में से आ सकता है। बॉइलिंग लिक्विड की वजह से स्कॉल्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। चलो मार्श टेस्ट आर्सेनिक के लिए अप्लाई होता है। शिन स्टॉक्स ब्रीथिंग आपको ओपीएम या बारबिट्यूरेट की पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट होती है मैग्नन सिंड्रोम क्रॉनिक कोकेन पॉइजनिंग में होता है। पंकेट बेसोफिलिया क्रॉनिक लाइट पॉइजनिंग है। ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए जो एंटीडोट होता है वो एयरट्रोपिन और पैरालिडोक्सिन में होता है। डार्क स्मोकी ग्रीन कलर कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। एनवेलप शेप क्रिस्टल ऑक्सैलिक एसिड के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो रिंस टेस्ट होता है भी आर्सेनिक के लिए होता है ठीक है, यानी हैवी मेटल्स के लिए होता है। फोसे जा फॉस्फरस की वजह से होती है। डिलीरियम ट्रीमन अल्कोहल की वजह से होती है। फैटल डोज ऑफ मॉर्फिन तो 200 मिलीग्राम होती है। ओलो विट्रियोल सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एसिड और शुगर ऑक्सैलिक एसिड होता है। इसके बाद पैंकेट बेसोफिलिया क्रॉनिक लाइट पॉइजनिंग होती है। मी लाइन नेगल के ऊपर थेलियम और आर्सेनिक में देखने को मिलती है। पोस्टर चार क्रॉनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग में देखने को मिलता है ओके। एश्योरेटिक अपेयरेंस ऑफ ओरल म्यूकोजा तो मर्करी या पहले भी बता चुका हूँ। नैलाक्सोन ओपीएम के लिए
एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल होता है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनो फास्फेट एसिटाइल कोलीन एस्पारेट एंजाइम को इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं। क्लिनिकल टेस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए स्पेसिफिक होता है, फेटल डोज ऑफ आर्सेनिक तो 120 से लेकर 200 मिलीग्राम, शायद मैंने पहले भी बताया था लेकिन पहले मैंने शायद उसको कोकेन के लिए बताया था। आर्टिफिशियल ब्रूस मार्किंग नट से क्रिएट कर सकते हो, फेटल डोज ऑफ आर्सेनिक तो 120 से लेकर 200 मिलीग्राम है, जबकि 200 मिलीग्राम ओपीएम की होती है। ऑलमोस्ट हमने टॉक्सिकोलॉजी के मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यू को कवर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।